जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार की तीसरी डिजिटल स्ट्राइक, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया। दोस्तों इससे पहले कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया के कुछ ऐप थे, टिकटॉक समेत कई एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों आज एक और बड़ी स्ट्राइक की है मोदी सरकार ने कि पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। दोस्तों ये चीन के जितने भी चाइना के एप्लीकेशन हैं उन सभी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। दोस्तों पबजी की अगर बात करें तो पबजी गेम इतना पॉपुलर हो चुका था कि जैसे कि टिकटॉक, तो दोस्तों टिकटॉक के यूजर्स भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थे और पबजी गेम के यूजर भी बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे। पबजी गेम इस तरीके की दोस्तों पबजी की लत लग चुकी थी लोगों की, तो वो समूह बना के चार पाँच युवा साथ में बैठ के पबजी खेलते रहते थे पूरे दिन। वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, नहीं स्टडी करते थे। तो दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छी आज की खबर लगी है। दोस्तों ये खबर सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि पबजी जैसे एक निकम्मे ऐप को बंद कर दिया, बहुत ही बढ़िया किया ये सरकार ने। और दोस्तों ये एप्लीकेशन लोगों को बहुत ही निकम्मे कर रहा था, तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं मेरे अंदर क्या है, जो मुझे ये लग रहा था कि ये एप्लीकेशन बहुत ही ख़राब है, कब बंद होगा कब बंद होगा, लेकिन फाइनली आज ये पबजी ऐप है जो कि इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।